अनंतनाग की आतंकी मुठभेड़ में सेना के दो सैनिक शहीद हुए, साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुई। जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजिएगा तो कलेजा कांप जाएगा। मेजर आशीष की मां, जिनके आंसू सूख चुके हैं, उनका कहना है कि उन्होंने तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था, सौंप दिया था, उसने कुर्बानी दे दी। लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिए होते तो आज सिर्फ मेजर आशीष ही नहीं, बहुत से और बेटे बच जाते। मेजर आशीष अपनी 2.5 साल की बेटी के पास कभी नहीं लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायूं भट्ट अपने 29 दिन के बच्चे का दोबारा से मुंह नहीं देख पाएंगे। जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आंख नम थी। लेकिन ऐसे में देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी भाजपा के हेडक्वार्टर में G20 का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने इन सर्वोच्च बलिदानों के लिए एक शब्द संवेदना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं कहा। वो मोदी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशियन में, कभी फ्रेंच में, कभी स्पैनिश में लिखते हैं, वो मोदी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्होंने इन जांबाजों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा। और अब एक पैटर्न बन चुका है, जांबाज शहीद होते हैं, वो बलिदान देते हैं और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 4 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 5 अगस्त 2022 को रजौरी में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी मौन रहे। 5 मई 2023 को रजौरी में 5 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 5 अगस्त को कुलगाम में 3 जांबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 19 अगस्त 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और 13 सितंबर को सेना के अधिकारी आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, मोदी जी ने एक शब्द सांत्वना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का, संवेदना का उनके परिवारों के लिए भी नहीं कहा। यह है आपका राष्ट्रवाद, यह है आपका देश प्रेम, यह है आपका सेना के प्रति समर्पण और सम्मान। ऐसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री होने का? जांबाजों की शहादत पर जो श्रद्धांजलि का एक शब्द न बोले, जांबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रति संवेदना न व्यक्त करे, उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है? लानत है।